हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टुगेदर। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ दार्जिलिंग की मॉल रोड पे, जो दार्जिलिंग की एकदम सेंटर में है। दार्जिलिंग की मॉल रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इस जगह के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। लोकल वाइब्स आपको पता चलती है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत रोड है। इस रोड को चौरास्ता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रोड्स कनेक्टेड है। तो आइए चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ मॉल रोड और यहाँ की कुछ लोकल चीज़ों के बारे में बताती हूँ। I'm entering the mall road. It's all foggy here. This looks awesome. This is the mall road in the evening. It's a big screen. Match is coming. मॉल रोड यहाँ के लोकल खाने के लिए और लोकल सामान जैसे आर्ट, पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आपको कोई दार्जिलिंग से रिलेटेड सामान खरीदना है तो आपको मॉल रोड ही जाना चाहिए। और यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स टू गो। आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ मॉल रोड पे क्या क्या है। मिलेट मील्स फिएस्टा, आरा रेस्टोरेंट एंड बार। वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड ग्लेनरीज। वी फिगर आउट इट्स अ गुड कैफे। Some local shops, jackets and all. Razzi's Affair, pure veg restaurant. Hotel Shangri-La. Kalimpong Art Gallery. It's a cozy little place. Beautiful people. Beautiful people here in Darjeeling. Well, we have KFC also here. ग्लेनरीज कैफ़े दार्जिलिंग के ओल्डेस्ट कैफ़ेज में से आता है। करीबन 100 साल से पुराना कैफ़े है, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के से है। और यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट है फॉर ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स के लिए। और बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है जो मैं आपको आगे अपने वीडियो में दिखाऊँगी। दिस इज ग्लेनरीज। Guys, we'll be going to this place. Just getting into Glenary's. Mm-hmm.
So this is the Glenary's, and just going to take a seat. Great views. We are going to the bakery. We'll come for the dinner. So they have two levels. And the upper level is the main restaurant. And on the lower level, they have the bakery. Very lively. Just grab some coffee and maybe some quick bite. These are the views from Glenary's. We just had a good snack time. Some tea and some snacks. Now just heading out for a walk on the Mall Road. Pretty cool setup. They have some great pastries as well. This is the bakery. Chocolates. This amazing bakery stuff. A cheese pie and a chicken pie. जब भी आप दार्जिलिंग जा रहे हैं वहाँ से दार्जिलिंग टी ज़रूर खरीदिए बिकॉज वहाँ की टी का अरोमा और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है. मॉल रोड पर बहुत सारी दुकानें हैं जो दार्जिलिंग टी सेल कर रहे हैं, बट जहाँ से आपको ख़रीदनी चाहिए और जहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी वो है गोल्डन टिप्स, जो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी भी. दिस इज द हाउस ऑफ टी. एक्सेलेंट टी. Nice looking paintings. Indra's Cafe Lounge, pure vegetarian restaurant for all vegetarian people. Some good looking paintings. Buddhism paintings. Darjeeling fresh tea, hasty, tasty. Again, another pure veg restaurant. And some Darjeeling tea. We have a Frank Ross Cafe. Looks pretty cozy. They have some South. Some more tea, Golden Tips. Again, the world's finest teas. आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए.
That will be very helpful. Thank you.